अपना बाबा साहब को अपने श्रद्धा सुमन अर्पित किए सम्राट अशोक को श्रद्धा सुमन अर्पित किए ज्योतिबा फुले जी को अपने श्रद्धा सुमन अर्पित किए और इस कार्यक्रम को मतलब राष्ट्रीय स्तर का एक कार्यक्रम था तो इसमें यह है कि आ, हमारे विदेशों से भी कुछ लोग आए जैसे बैंकूवर कनाडा से इसरो कनाडा के जो अध्यक्ष हैं रूपलाल गड्डू साहब ने भी कनाडा से बैंकूवर से आकर के कार्यक्रम में शिरकत की और देश के कोने कोने से लोगों ने भारी संख्या में इस कार्यक्रम में भाग लिया दो वर्षों में तो ये प्रोग्राम आयोजित नहीं हुआ है अगर कि बीस में ये प्रोग्राम होना था इक्कीस में प्रोग्राम होना था तो दोनों साल ये प्रोग्राम नहीं हो पाया बाईस में प्रोग्राम हो रहा है तो लोगों में उत्साह देखने वाला है बाबा साहब अम्बेडकर की जो सोच है जैसे सो उन्होंने सरकार के क्षेत्र में सरकारी एस सी समाज के लोगों को साढ़े बाईस परसेंट की नौकरी की व्यवस्था की थी सरकारों ने सरकारी क्षेत्र ही खत्म कर दिया तो बाबा साहब अम्बेडकर का जो सपना था अपने इस गरीब समाज को एक राष्ट्र की मूलधारा में लाने का निश्चित रूप से वो बिखरता हुआ नजर आ रहा है 14 अप्रैल ऐतिहासिक दिन बाबा साहब की जयंती पूरे देश में नहीं पूरी दुनिया में सेलिब्रेट किया जाता है भारत में खासकर जो सरकारी कर्मचारी हैं अधिकारी हैं वो इसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं मेरे साथ एल के पूर्व अधिकारी और एस सी फेडरेशन के जनरल जनरल सेक्रेटरी के पी चौधरी साहब हैं जिन्होंने अभी हाल ही में दो दिन पहले बाबा साहब की जयंती पूरे महीने इसको जयंती मनाई जाती है मनाया उसके बाद कल 14 अप्रैल को देश की राजधानी दिल्ली में संसद भवन के पास संसद मार्ग पर भी बड़े पैमाने पर तैयारी चल रही है क्या है एल की तरफ से तैयारी क्या है इनके फेडरेशन की तरफ से तैयारी और अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर में जो कार्यक्रम हुआ उसको लेकर भी संबंधी कोशिश करेंगे और आगे देश में किस तरह से बहुजन आंदोलन को बढ़ाया जाए अम्बेडकरी विचार को कैसे घर घर तक पहुंचाया जाए इसको लेकर क्या है उनका रोड में सर समय देने के लिए शुक्रिया कैसा था इंटरनेशनल सेंटर का जो प्रोग्राम था तो चौदह अप्रैल को भी आप लोग प्रोग्राम मना रहे हैं जंतर संसद मार्ग पर तो तीन दिन पहले भी आयोजन किया नहीं वो तो देखिए ऐसा है कि बाबा साहब का जन्मदिन तो पूरे विश्व में लोग पूरे साल ही मनाते हैं और अप्रैल और मई के महीने तो ऐसे हैं क्योंकि मैं मई के महीने में मैं भी बाहर हूँ बाहर के ए, देशों में भी बहुत सारे प्रोग्राम हो रहे हैं और 9 अप्रैल को हमारा जो भारतीय जीवन बीमा निगम जो हमारा अनुसूचित जाति जनजाति कर्मचारी अधिकारी कल्याण संघ है इसका राष्ट्रीय अधिवेशन और इसका जो एक ऑल इंडिया पदाधिकारियों का एक चुनाव होता है वो नौ तारीख को इसके साथ साथ हमने नौ तारीख को बाबा साहब अम्बेडकर का जन्मदिवस समारोह सम्राट अशोक और ज्योतिबा फूले जी का भी जन्मदिन हमने धूमधाम के साथ मनाया इसमें पूरे देश के कोने कोने से लोगों ने भारी संख्या में भाग लिया हमने इस बार एक काम और किया कि जो ऑडिटोरियम था वो तो बहुत छोटा पड़ गया उसमें लोग बीच का जो स्पेस था सीढ़ियों का उस पर बैठे उसके बाद भी जगह नहीं मिली तो खड़े रहे और उसके बाद में फिर जो है लोग बाहर बड़ी भारी संख्या में जब बाबा साहब का स्टेचू वहाँ पर खड़े रहे तो जगह की कभी पड़ गई ऑडिटोरियम छोटा पड़ गया क्योंकि पिछले वर्षों में जो हमारे कार्यक्रम होते थे वो तालकटोरा में होते थे लेकिन नौ तारीख को हमें तालकटोरा नहीं मिल पाया इसलिए हमने डॉक्टर अम्बेडकर इंटरनेट सेंटर जो बाबा साहब के नाम पर ही बनाया गया है भारत सरकार द्वारा दो करोड़ रुपये की लागत से और एक बहुत ही कह सकते हैं कि पायस पवित्र और बहुत ही एक भव्य जो है अपने आप में एक वहाँ पर जो ऑडिटोरियम है उसमें भी हम ऑडिटोरियम बाबा साहब के नाम पर रखा गया है तो एक कार्यक्रम हमने 9 तारीख को रखा था और पूरे देश के कोने कोने से लोग आए और उसमें हमने सब स्टेट के लोगों को इस बार खड़ा किया कि तमिलनाडु के लोग खड़े हो जाएं कर्नाटक के आपकी टीम आप तो नहीं थे लेकिन आपकी पूरी टीम नेशनल दस्तक में मौजूद थी नेशनल कमीशन के जो मान्य सदस्य हैं जो पूर्व सांसद हैं लोकसभा की अंजू बालाजी वो भी उसमें मौजूद थी उसके बाद में डॉक्टर विनय सैस बुद्धे जी जो आई के भी प्रेसिडेंट है हैं और पार्लियामेंट्री कमेटी के चेयरमैन हैं राज्यसभा से एम हैं और भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भी पिछले दिनों तक रहे हैं वो भी उस कार्यक्रम में उन्होंने शिरकत की दिल्ली सरकार के कैबिनेट मंत्री राजेंद्र पाल गौतम जी ने भी उसमें अपनी भागीदारी की अनुसूचित जाति जनजाति संसदीय कल्याण समिति यानी पार्लियामेंट्री कमेटी फॉर एस सी के जो डायरेक्टर थे पी सी साहब वो भी मौजूद रहे क्योंकि पार्लियामेंट्री कमेटी के चेयरमैन साहब की वाइफ की डेथ हो गई तो वो उस वजह से नहीं आ पाए और जो जॉइंट सेक्रेटरी थे शेखर साहब वो स्पीकर के साथ में नॉर्थ ईस्ट स्टेट में गए हुए थे तो पी सी चौदह साहब जो डायरेक्टर हैं पार्लियामेंट्री कमेटी एस सी एस उन्होंने उसमें शिरकत की नेशनल कमीशन फॉर शुल्क के डायरेक्टर हैं कौशल कुमार जी और एस के सिंह साहब दो डायरेक्टर नेशनल कमीशन फॉर एस की तरफ से भी मौजूद रहे तो इसमें यह है कि आ, हमारे विदेशों से भी कुछ लोग आए जैसे बैंकूवर कनाडा से इसरो कनाडा के जो अध्यक्ष हैं रूपलाल गड्डू साहब ने भी कनाडा से बैंकूवर से आकर के कार्यक्रम में शिरकत की और देश के कोने कोने से लोगों ने भारी संख्या में इस कार्यक्रम में भाग लिया और अपना बाबा साहब को अपने श्रद्धा सुमन अर्पित किए सम्राट अशोक को सुमन अर्पित किए ज्योतिबा फूले जी को अपने श्रद्धा सुमन अर्पित किए और इस कार्यक्रम को मतलब राष्ट्रीय स्तर का एक कार्यक्रम था इससे पहले हमने जो डॉक्टर अम्बेडकर इंटरनेस सेंटर था उससे हमने हम लोग बाहर गोलचक्कर पर गए वहाँ से डॉक्टर अम्बेडकर इंटरनेस सेंटर तक हमने अपने जो पंचशील के झंडे अपने हाथ में लेकर के हज़ारों की संख्या में हमने एक रैली भी निकाली और रैली निकालने के बाद फिर वो हमारे ऑडिटोरियम में वो सभा के रूप में परिवर्तित हुई तो ये आ, कल का क्या रोड मैप है सर कल दिल्ली में संसद भवन पर जो क्या तैयारी है आपके संगठन की तरफ से पहली बार देखिए कभी लंबे दो ढाई साल के बाद में पहली बार लोगों को ये मौका मिल रहा है क्योंकि पिछले दो वर्षों में तो ये प्रोग्राम आयोजित नहीं हो उन्नीस मतलब बीस के समझिएगा कि बीस में ये प्रोग्राम ए, होना था इक्कीस में प्रोग्राम होना था तो दोनों साल ये प्रोग्राम नहीं हो पाया बाईस में ये प्रोग्राम हो रहा है तो लोगों में उत्साह देखने वाला है सभी स्टाल जिस तरीके से लगते रहे हैं हमारे भी महासंघ का जो हमारा ऑल इंडिया फेडरेशन एस सी एस उसका स्टाल भी लग रहा है लाई अश्विन का स्टाइल भी लग रहा है और हमारे जो दूसरे विभाग हैं सी पी डब्ल्यू डी हमारा विद्युत बोर्ड फेडरेशन बैंकों के जी आई सी के सभी स्टॉल वहाँ पर इवन डॉक्टर अम्बेडकर जो हमारा फाउंडेशन उसका भी स्टॉल वहाँ पर लग रहा है तो हजारों की संख्या में लोग वहाँ पर स्टॉल लगा रहे हैं और हमारे हमारे जो स्टॉल है उसमें सब लोगों के लिए बैठने की व्यवस्था की जा रही है उनके लिए पानी की सब्जी पूड़ी खाना मिठाई हलवा सब अवस्थाएं उसके अंदर सा, हर साल हम लोग कितने सालों से जो संसद मार्ग पर हो रहा है उसको आप कितने सालों से देख देखिए मैं इसको सन नाइनटीन से मैं इसको स्वयं मेरा आ, हमारा एक और विशेष बात है कि भारतीय जीवन बीमा निगम यानी एल ऑफ इंडिया एक पहला सरकारी डिपार्टमेंट है जो पूरे देश में 14 अप्रैल पर अपना स्टाल एल ऑफ इंडिया का मैनेजमेंट खुद स्टाल लगाता है बाकी डिपार्टमेंट्स में डिपार्टमेंट पैसा देते हैं संगठन को और संगठन वहाँ पे स्टॉल लगाते हैं लेकिन एल ऑफ इंडिया में एल का मैनेजमेंट खुद वहाँ स्टॉल लगाता है बाबा साहब की जीवनी छपवाता है बाबा साहब के चित्रों का वितरण करता है और बाबा साहब की मतलब ऊपर जो है वहाँ पर विचार गोष्ठी होती है तो एल ऑफ इंडिया इकलौता सरकारी डिपार्टमेंट है भारत का जो 14 अप्रैल को बाबा साहब अम्बेडकर को पार्लियामेंट स्ट्रीट पर स्टाल लगा करके अपने श्रद्धासुमन अर्पित करता है और हमारे जो बाकी सामाजिक संगठन हैं सरकारी अधिकारी कर्मचारी संगठन हैं वो बड़ी भारी संख्या में हर बार इस कार्यक्रम का आयोजन करते हैं और इस बार भी मुझे जो मेरे पास जानकारी है लोगों में बड़ा उत्साह है और बहुत व्यापक स्तर पर बाबा साहब अम्बेडकर की इस जन्मदिन को सारे देशवासी बड़ी धूमधाम से मनाएंगे पहले संसद भवन के अंदर सब लोग श्रद्धा सुमन अर्पित जैसा करते रहें इस बार भी सभी लोग अंदर जाकर श्रद्धा सुमन अर्पित करेंगे और उसके बाद बाहर जो स्टाइल लगते हैं उन पर अपने अपने स्टाइल के माध्यम से जो भी बाबा साहब को अपने श्रद्धासुमन लोग अर्पित कर सकते हैं सभी लोग बड़े हर्षोल्लास के साथ कल इस त्यौहार को मनाएंगे आ, क्या लग रहा है सर जो अम्बेडकर भवन का जो आपने पूरा खाका खींचा है परिकल्पना की है दिल्ली एन में उसमें कितनी सफलता मिली और क्या कसर रह रही देखिए उसमें जो अभी कलेक्शन हुआ है अभी हमने रिपोर्ट पेश की थी उसमें तीन करोड़ सत्तर लाख रुपए का कलेक्शन अब तक संगठन के पास में आ चुका है और तीन करोड़ का भुगतान जो है लैंडलॉर्ड को कर दिया गया है बाकी अभी पाँच करोड़ पैंसठ लाख रुपया उसमें पेमेंट होना है और उसमें हम लोग प्रयत्नशील हैं प्रयास कर रहे हैं कि जल्दी से जल्दी ये पूर्ति हो और इसका पेमेंट होकर के रजिस्ट्री हो और फिर बाकी आगे समाज के सहयोग से इस कंस्ट्रक्शन को किया जाए और समाज को जल्दी जल्दी समर्पित किया जाए कैसे देख रहे हैं सर ऐसे समय में जब सरकारी नौकरियां खत्म हो रही है अम्बेडकरवाद तो घर घर पहुंच रहा है लेकिन रोज़गार सरकारी नौकरियां नहीं रही तो आगे की क्या रणनीति होनी चाहिए बहुजनों की देखिए बहुजनों को अपने सबकास्ट से ऊपर उठना चाहिए राजनेताओं को राजनीति के अपने लेवल से ऊपर उठना चाहिए पार्टी लाइन से ऊपर उठना चाहिए सभी सांसदों को जो लोकसभा में बाबा साहब अम्बेडकर के 25 परसेंट के आरक्षण से आए हैं 131 के 131 पार्टी लाइन से उठ करके उन्हें अपने बाबा साहब के मिशन को अपने आप को उन्हें समर्पित करना चाहिए इसी तरीके से जो विधायक हमारी विधानसभा में चुनकर आ रहे हैं पच्चीस परसेंट उनको भी इस बात को समझना चाहिए और अपने समाज के प्रति जो उनकी जिम्मेदारी है उसको निभाना चाहिए सरकार की नौकरी में जैसा भी आपने कहा कि हर रोज सरकार के क्षेत्र में एक बहुत बड़ा क्षेत्र था जिस क्षेत्र को लेकर के ले मान्यवर काशीराम जी ने बामसेव डी एस फोर की जो है ना स्थापना की उसके बाद उसको बहुजन समाज पार्टी के रूप में तब्दील करके एक राजनीतिक में राजनीति में एक भूचाल ला के खड़ा कर दिया और अस्सी और पंद्रह और की बात करके उन्होंने देश की राजनीति को बदल कर रख दिया लेकिन दुर्भाग्य यह है कि जो उत्तर प्रदेश के चुनाव अभी हुए हैं उनमें जो परिणाम आए हैं उसमें मान्यवर काशीराम जी का जो सोच था जो उनकी दूरदर्शिता थी कहीं ना कहीं उसको धक्का लगा है बाबा साहब अम्बेडकर की जो सोच है जैसे उन्होंने सरकार के क्षेत्र में सरकारी एस सी समाज के लोगों को साढ़े बाईस परसेंट की नौकरी की व्यवस्था की थी सरकारों ने सरकारी क्षेत्र ही खत्म कर दिया तो बाबा साहब अम्बेडकर का जो सपना था अपने इस गरीब समाज को एक राष्ट्र की मूलधारा में लाने का निश्चित रूप से वो बिखरता हुआ नजर आ रहा है और इसके लिए मैं तो यही कहूँगा हर आम और खास से जो अनुसूचित जाति और जनजाति समाज में पैदा हुआ है हर व्यक्ति को इस समस्या को समझना पड़ेगा समझना उनको चाहिए अपने निजी स्वार्थों से पारिवारिक ज़िम्मेदारियों से थोड़ा ऊपर उठ कर के सामाजिक ज़िम्मेदारी को समझना चाहिए सब जब तक इकट्ठे नहीं हुए एकजुट नहीं होंगे 2 अप्रैल 2018 की तरह सब आप सब लोग अपनी एकजुटता इस देश इस राष्ट्र के सम्मुख नहीं रखेंगे अपनी दावेदारी आप नहीं ठोकेंगे अपनी आप अपनी आवाज़ को सरकार तक इकट्ठे होकर नहीं पहुँचाएंगे देखिए मैं कहूँगा कि दो अप्रैल दो में जिन हमारे शहीदों ने कुर्बानी दी उनकी कुर्बानी का नतीजा है कि एस सी एस एक्ट को बचाने में ये समाज कामयाब हुआ तो आज जो आरक्षण खत्म लगभग लगभग मैं मानता हूँ कि आरक्षण खत्म होने के कगार पर ही मान लिया जाए क्योंकि सरकारी क्षेत्र में आरक्षण है सरकारी क्षेत्र में नौकरी ना के बराबर है निजी क्षेत्र में आरक्षण की कोई व्यवस्था है नहीं तो ये जो गरीब समाज था एस सी ये गरीबी की रेखा से दो रास्तों से ऊपर आया था एक सरकार की नौकरी के माध्यम से और एक कुछ जो राजनीति में सांसद और विधायक बने उनके माध्यम से आया था क्योंकि उद्योग धंधों में भागीदारी ना के बराबर है और क्षेत्र जमीन कृषि में भागीदारी ना के बराबर है तो यही दो कारण थे जिससे कि समाज के लोग गरीबी की रेखा से हमारे समाज के लोग ऊपर आए थे लेकिन ये दोनों ही कारणों से क्योंकि राजनीति में एक संख्या बड़ी सीमित है वो बहुत बड़ी संख्या नहीं थी लेकिन सरकारी क्षेत्र की नौकरी में भले लाखों लाखों लोगों को परिवारों को बड़ा लाभ मिला और आज जिस तरीके से सरकार की नीति जो निजीकरण की है और सरकारी क्षेत्र को जिस तरीके से खत्म किया जा रहा है उसमें तो एस सी समाज आने वाले समय में समाज के हर व्यक्ति का जो मतलब ये समझो कि मैं तो ये पाता हूँ कि उनका भविष्य पूरी तरह अंधकार में मुझे नज़र आता है एक सामाजिक कार्यकर्ता होने के नाते और मैं यही समाज से अपील करूंगा कि साहब सब जाति बंधन से ऊपर उठो सब शेड्यूल कास्ट हैं सब शेड्यूल ट्राइब हैं उपजाति में मत बटो आपस में रोटी बेटी का रिश्ता शुरू करो एक दूसरे के सुख दुख में खड़े हो एक दूसरे का साथ दो एक दूसरे से मिलकर काम करो और ऐसा है कि जब पारिवारिक ज़िम्मेदारी आए तो उसे भी निभाओ लेकिन साथ साथ सामाजिक जिम्मेदारी के निर्वहन में कोई कोताही मत बरतो इकट्ठे हो जाओ एकजुट हो जाओ एकजुट हो जाओगे इकट्ठे हो जाओगे इक जाओ तो ये जो समस्या समाज के सामने निश्चित रूप से इसका समाधान आने वाले समय में हम सब लोग मिलकर कर पाएंगे जहाँ तक सांसद चुनने की बात है विधायक चुनने की बात है उसमें कोशिश करो कि जो लोग आपके दुख और दर्द में आपके साथ खड़े हों जो अम्बेडकर वाली सोच के आदमी हों जो बाबा साहब के मिशन को सींचने वाले लोग हों अगर आपकी वोट की ताकत से ऐसे लोग संसद में जा सकते हैं ऐसे लोग, है, लोग विधायक बन सकते हैं ऐसे लोग जो है विधायिका का संसद का पार्ट बन सकते हैं तो समाज को अब इस विषय पर भी गहराई से चिंतन मंथन करना चाहिए क्योंकि अब आपकी आवाज़ संसद में उठाने वाली भी होनी चाहिए विधानसभा में उठाने वाली भी होनी चाहिए और सड़क पर उठाने वाली भी होनी चाहिए जब ये सभी सभी सा, सारा समाज मिलकर अपनी आवाज उठाएगा तो निश्चित रूप से जो समस्या समाज के सम्मुख खड़ी हुई है उसका हम किसी हद तक कोई ना कोई निराकरण उसका हल करने में कामयाब हो जाएंगे तो अभी भी मैं फिर कह रहा हूं कि भारत में खासकर जो शोषित वंचित समाज है उसको जो भी मिला है इस संविधान की वजह से मिला है और लोगों को लगता है कि अगर संविधान नहीं रहा तो उनके हक हाँ अधिकार सुरक्षित नहीं रहेंगे इस बार जो 14 अप्रैल जो बाबा साहब को लोग नमन कर रहे हैं उनकी जयंती मना रहे हैं उनके सामने चैलेंज है कि क्या वो संविधान बचा पाएंगे आप लोग की क्या प्रतिक्रिया अपनी प्रतिक्रिया जोड़ दीजिए मैं फिर कह रहा हूँ कि एस सी के लोग खासकर अगर सरकारी नौकरी नहीं होती तो उनकी किस्मत नहीं बदलती उनका जीवन नहीं सुधरता लेकिन ये भी उतना ही बड़ा सच है कि इस देश को अगर मजबूती मिली है इस देश अगर मजबूत हुआ है आर्थिक रूप से सामाजिक रूप से राजनीतिक रूप से तो उसमें इस देश के एस सी एस टी ओ बी सी माइनॉरिटी के लोगों की भागीदारी है क्योंकि तमाम सरकारी और निजी कामों में उन्होंने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया है अब एल आई सी को ही लीजिए एल आई सी में सबसे ज़्यादा बहुजन समाज की डाइवर्सिटी है भागीदारी है और एल आई सी भारत की आर्थिक व्यवस्था की रीढ़ की हड्डी है तो आपको तय करना है कि जो कॉर्पोरेटाइजेशन हो रहा है जो निजीकरण हो रहा है उससे न तो समाज का भला हो रहा है न देश का भला हो रहा है चंद लोगों का भला हो सकता है लेकिन जो सरकारीकरण है जो बाबा साहब के सपना था विशाल भारत का मजबूत भारत का वो सपना भी पूरा करता है आप लोग अपनी प्रतिक्रिया जोर दीजिए शुक्रिया नेशनल दस्तक, दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं फिर बेल आइकन की घंटी दबाए निशल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।